Now, uh, अगर आपने हमारा ऐप आप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए बिकॉज हमारे ऐप आप में आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस मिलते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म फॉर्म में में भी में भी लाइव मॉक टेस्ट मिलते हैं वर्कशॉप्स मिलते हैं जो आपके प्रिपरेशन को और अच्छा बनाते हैं सो जरूर से हमारे प्लेटफॉर्म को आप अगर तक अभी तक डाउनलोड नहीं किया आपने ऐप को तो फटाफट ऐप डाउनलोड कीजिए उसके लिए आप इस क्यू कोड को स्कैन करेंगे ऐप डाउनलोड हो जाएगा चलिए तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं

हम अपने मन से ये डिसाइड नहीं करते बेस्ड ऑन जो अभी तक के पीवाई हम ऑब्जर्व करते हैं मे बी लास्ट फाइव ईयर के क्यूज जब आप देखते हो तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाता है कि वो कौन सा यूनिट है जिसके जिससे ज्यादा क्वेश्चन में भी आ रहे हैं थोड़े और वो शायद मार्क्स वेचिंग एरिया हो सकता है तो उसके बेसिस पर हम डिस्कशन हैं बिफोर टेलिंग यू द इम्पोर्टेंट यूनिट एंड मार्क्सवेचिंग वेटेज उनके यूनिट के एक बात बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए हर एक यूनिट को ऑलमोस्ट सेम वेटेज होता है बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है किसी यूनिट से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आते नहीं ऑलमोस्ट ये साइ ट्राई करता है कि वो इक्वल वेटेज दे हर एक यूनिट को लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ यूनिट ऐसे हैं जो किसी और यूनिट के साथ भी मर्ज करते हुए जैसे अगर हम फंडामेंटल प्रोसेस एंड मेथड्स इन बायोलॉजी का बात करें तो ये दोनों यूनिट ऐसे यूनिट है जहां पे बहुत सारे सिमिलर टॉपिक्स है बहुत सारे सिमिलर चीजें जो है जैसे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन सिर्फ उस मिला जुला करके आ रहा है तो अगर आप उसको फंडामेंटल प्रोसेस में कंसिडर करना चाहते हैं तो उसका एक नंबर बढ़ जाएगा एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा अगर मेथड्स में करना चाहते हैं तो उससे एक बढ़ जाएगा उसी तरह से सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग हो गया एंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स है जो बेसिकली उनके क्वेश्चन आप डिस्क्र आप ये डिस्क्रीट नहीं कर सकते हो कि ये इसी यूनिट का कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट इज वाई कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो थोड़े से नंबर वाइज ज्यादा हो जाते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन फिर भी नहीं होता ये हमेशा याद रखिए जब आप सिलेक्ट करते हो यूनिट आपको क्या क्या यूनिट पढ़ना आप हमेशा ध्यान रखिए आप अपना जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है ऑलवेज गो विथ योर स्ट्रॉन्ग यूनिट फर्स्ट एंड देन यू कैन सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज वेटेज की आपको रेस्ट और कौन कौन से यूनिट को सिलेक्ट करना है तो इन तेरह मॉड्यूल्स में से मैं ऑलमोस्ट लाइक सेवन यूनिट को मैं आज बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स वेटेज तो मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन जो बायोकेमिस्ट्री हमारा है देन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल डेवलपमेंट इनहेरिटेंस इकोलॉजी एंड मेथड्स मैं ये सात यूनिट का नाम आपको बता रही हूँ इन सातों यूनिट में इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए तो सी एस आई पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट भी है बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर मार्क्स वेचिंग एरिया के वाइज देखा जाए तो भी इंपॉर्टेंट है इनसे मार्क्स आते हैं अब यहाँ पर और दो यूनिट भी है जैसे एनिमल फिजोलॉजी एंड प्लांट फिजोलॉजी जिसमें एनिमल फिज, प्लांट फिजोलॉजी से थोड़े क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कंपेरिटिव टू तो एनिमल फिजोलॉजी अगर आप बायोट बॉटनी बा, स्टूडेंट है तो आपके लिए प्लांट फिजोलॉजी एक अच्छा यूनिट है मार्क्स वाइज लेकिन अगर आप जुओ के स्टूडेंट हैं एंड अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो बॉटनी का पार्ट प्लान फिजोलॉजी के पार्ट तो आप जा सकते हो इस यूनिट के साथ भी ये यूनिट भी एक अच्छा यूनिट है लेकिन क्योंकि ये मे बी शायद सब सब लोग ऑप्ट नहीं करते इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया बट यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट अब ये सात यूनिट का अगर हम देखें तो ये सात यूनिट में लगभग लगभग थोड़े मोड़े वेरिएशन होते हैं ऑलमोस्ट बाकी यूनिट के कंपैरिजन में आप ऐसा मान सकते हो कि सेक्शन बी में दो क्वेश्चन ज्यादा होंगे सेक्शन सी में दो क्वेश्चन ज्यादा होंगे एक दो क्वेश्चन ज्यादा होना भी बहुत ज्यादा होता है बिकॉज सेक्शन सी में दो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आठ मार्क्स ज्यादा हो जा रहा है सेक्शन बी में अगर दो क्वेश्चन हो रहा है तो चार मार्क्स ज्यादा हो जा रहा है तो अगर दस बारह मार्क्स भी कोई यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो यूनिट मार्क्स वाइज या वेटेज वाइज हम बोल सकते हैं एक अच्छा यूनिट कंसिडर किया जाएगा हमेशा याद रखिए वेन यू आर डूइंग क्वेश्चन आप इन सारे चीजों को अंदाजा लगा सकते हो क्वेश्चन बनाते समय जैसे सेल बायोलॉजी हो गया डेवलपमेंट बायोलॉजी हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया जेनेटिक्स इकोलॉजी मेथड्स एंड बायोकेमिस्ट्री इन सेवन यूनिट्स को मैं कंसिडर करती हूँ होते हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन वाइज भी एंड क्वेश्चन uh, जो आते हैं वो आप आराम से इजी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आंसर इजीली आप कर सकते हो तो इन सारे यूनिट में आपका नेगेटिव होने का चांसेस भी कम होता है तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है ऑलवेज रिमेंबर जब आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम देने का कोई भी एग्जाम तो आप उस एग्जाम का हर एक चीज को समझना पड़ता है आपको और पीवाई क्यूज का जब हम बात करते हैं तो पीवाई क्यूज सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए नहीं है पीवाई क्यूज ये सारे एनालिसिस के लिए भी होते हैं जो हम लोगों को हेल्प करता है कि हम अपनी तैयारी को किस डिरेक्शन में ले जा सकते हैं और किस तरह से किसी यूनिट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं बिकॉज वास्ट है बहुत सिलेबस थर्टीन मोड्यूल सिर्फ बोलने के लिए थर्टीन यूनिट्स है होल ऑफ अ बायोलॉजी इज अवर सिलेबस तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं मे बी दे वांट टू टारगेट ओनली टेन यूनिट मे बी दे वांट टू टारगेट नाइन यूनिट और इलेवन यूनिट तो अगर आप ऐसे हैं डेफिनेटली आपके पास अगर ये आइडिया हो कि वो कौन सा यूनिट है जो important है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आप जब सिलेक्ट कर रहे होंगे अपने यूनिट्स को आपको हेल्प मिलती है इन सारी चीजों में While रिवाइजिंग ऑल्सो अब हमारा December एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है हमेशा याद रहा जब आप रिविजन कर रहे हो रिविजन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो कोशिश करिए इन सारे टॉपिक्स के ऊपर रिविजन करते समय थोड़ा और फोकस करना आप इनके शॉर्ट नोट्स को बहुत ध्यान से पढ़िए बहुत अच्छे से इन सारे चैप्टर्स के वगैरह को याद करके रखे तो आपको नेगेटिव मार्किंग कम होगा एंड अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन भी तो हमारे लिए एक एड ऑन प्लस पॉइंट होता है जो हमको अच्छा मार्क्स लाने में एड करता है सो so, अगर यूनिट वाइज बोला जाए तो दीज आर द सेवन यूनिट विच आई थिंक डेफिनेटली आपको मार्क्स फेचिंग वाइज ज्यादा होता है इकोलॉजी हो गया मेथड्स हो गया डेवलपमेंट हो गया फंडामेंटल प्रोसेस सेल ऑर्गेनाइजेशन इनहेरिटेंस बायोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री दीज आर द सेवन यूनिट होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सो अगर अभी तक आपने ऐप आप डाउनलोड नहीं किया ऐप आप में आपको ऐसे कई सारे जेनरिक सेशन्स मिल जाएंगे जो आपके प्रिपरेशन के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे सेशन को आप देखते रहिए साथ ही साथ में आप हमारे पेड कोर्सेज में हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने रिविजन के लिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम या अगर आप जून को फोकस कर रहे हैं तो भी आप हमारे पेड कोर्सेज में आ सकते हैं पेड में हम लाइव क्लासेस के साथ-साथ रिकॉर्डेड साथ भी अवेलेबल करवाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे क्विज़स पीवाईक्यूज कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशन टेस्ट सीरीज एंड माइंड मैप्स ये सारे ऑफरिंग्स होते हैं हमारे पेड uh, क्लासेस के लिए अगर आप डिसंबर 2023 के लिए ज्वाइन कर रहे हैं एंड इफ यू क्वालिफाई फॉर जे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है दैट इज गारंटी मनी बैक ऑफर ये मनी बैक ऑफर उनके लिए जो जे आर क्वालिफाई करेंगे इस ट्वेंटी 2023 में एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उसको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा सारे टर्म्स एंड कंडीशन को मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है बिफोर गोइंग फॉर अपलाइंग फॉर द कोर्सेज एंड देन यू कैन अप्लाई एंड यू कैन हैव अ चांस ऑफ गेटिंग योर होल कोर्स फीडबैक ओके एंड बाकी के लिए आप इस गिवन नंबर पे कॉल करिए नाइन सिक्स डबल जीरो फोर या आप एक मिस्ड कॉल करिए और आपकी जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग एग्जाम रिगार्डिंग बैचर्स कोर्सेज एंड सब्सक्रिप्शन फीस आप पूछ सकते हैं आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा एंड देन यू कैन ज्वाइन अ पेड कोर्सेज सो सी यू इन द सेशन थैंक यू सो मच गाइज बबाई टेक वेरी गुड केयर ऑल द वेरी बेस्ट